नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा है और चुनावी यात्रा के दौरान यहां पर जो है आप ट्रैक्टरों में भीड़ देख सकते हैं। ये लोग जो है ट्रैक्टरों में डिंपल यादव की एक रैली की एक जनसभा से जो है लौट रहे थे, इनको हमने यहाँ पर रोका है। यहाँ पर बात करेंगे डिंपल यादव के समर्थकों से कि कन्नौज में माहौल क्या है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है उधर दिखाइए, लोग जो है यहाँ पर ट्रैक्टरों में टेम्पो में जो है अलग अलग साधनों में जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और डिंपल यादव की यहाँ पर कन्नौज में सभा थी, जिसको मायावती ने, अखिलेश यादव ने, चौधरी अजीत सिंह ने, तमाम जो गठबंधन के बड़े नेता है उन्होंने संबोधित किया। तो यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 25 साल के बाद में अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आए हैं। गांव में, देहात में जो अलग अलग जो कार्यकर्ता थे दोनों पार्टियों के, वो कितना एकजुट हुए हैं? गांव में मतलब ज्यादातर संख्या में एकजुट हुए हैं। हाँ, सबसे ज्यादा गांव में एकजुट हुए हैं और सबसे ज्यादा वोट मिलेगा गठबंधन को। दोनों के जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे के धुर रहे हैं, मतलब लंबे समय तक जो है एक दूसरे के काट पे जो है काम करते रहे। अरे पहले विरोधी या कुछ भी रहे हो वो बात अलग की, लेकिन आज इस समय जो मौजूदा हालत में है, वर्तमान में देखिए, सब एक लोग हैं। मतलब दूसरा कोई विरोधी नहीं, कोई सिर्फ बीजेपी विरोधी है, बाकी कोई विरोधी नहीं है। हाँ, तो अम्मा आप कहाँ से आई है, क्या नाम है आपका? सोमवती। तो अम्मा किसके समर्थन में आए थे, मायावती के, अखिलेश यादव? मायावती, अखिलेश के। थोड़ा ऊपर आइए ताकि आपका चेहरा दिखे। डम्पल सबके गठबंधन है कि नहीं? अच्छा, तो मतलब सबका, आप भी सबका नाम ले रही है। तो एक बात बताइए, पहले तो अखिलेश यादव के जो लोग थे वो मायावती को बुरा भला कहते थे, मायावती के जो लोग थे वो अखिलेश यादव को, तो अब जो है तो सब एक हो गए हैं। अब जो है सब सारे जो कार्यकर्ता है वो एक हो गए हैं क्या? सब एक हो गए। हाँ, क्या नाम है आपका? शकुंतला श्रीमती। शकुंतला जी, हाँ। तो आप पहले किसकी, मतलब आपके ज्यादा अच्छा लगता है, अखिलेश अच्छा लगता है या मायावती? मायावती, अखिलेश दोनों भी अब एक में हो गए हैं ना। हाँ, तो अब दो लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा है? हाँ, अब दो लोग अच्छे लगते हैं। अब गठबंधन हो गया तो दो लोग अच्छे लगते हैं। हाँ। अलग अलग होते तो अलग अलग बताते। मोदी जी अच्छे क्यों नहीं लगते हैं? ना तो कालूनी दई। हाँ। ना 60 साल दिया। हाँ। ना लेटरिंग बनी। हाँ। कुछ भी नहीं बना। हाँ। ना कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। ये रैली में इसलिए बोल रहे कि सच में बात है? नहीं, सच में है, अंदर से बात है, सच में है। हाँ? हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं फायदा मिले भैया, नहीं फायदा मिला, कोई कुछ भी फायदा नहीं मिला। फायदा किसको मिला है? हाँ, कुछ भी, एक भी जमीनी हकीकत में कुछ भी फायदा नहीं है गरीब आदमी को। सिर्फ पूंजीपत पार्टियों को फायदा है, गरीब आदमी को कोई भी जमीनी स्तर पे कोई लाभ नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये लोग खीरा लेके आए हैं, तो रैलियों में तो जाते हैं तो खाने वाने का टिफिन विफन वो सब कुछ मिलता है, डब्बा वब्बा नहीं मिला क्या? छोटी पार्टी में कहाँ इतना मिलेगा? अरे छोटी पार्टी थोड़ी ना है कोई, मतलब जमीनी हक में छोटी पार्टी में खाना पीना इतना कहाँ साधन कर पाते हैं कि तो सब खाना पीना लोग तो कहते हैं कि जो रैली में जाते हैं 200-300 रुपए भी मिलता है, डब्बा मिलता है। बड़े बड़े पूंजीपति वो तो बांटेंगे भाई, उनके पास सब कुछ है, धन और बल सब कुछ है, तो उनके पास वो तो ज्यादा बांटेंगे। हम लोगों का कहाँ इतना, हम अपने खीरा से और ककड़ी से इसी से गुजारा कर देते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित क्या करते हो? हम कहते किसने करत। मोदी जी अच्छे क्यों नहीं लगते आप लोगों को? अरे मोदी जी ने करो क्या है, कुछ नहीं दे सकले क्या है? वो तो इतनी बातें कहते हैं कि देश मजबूत किया, देश की, या बताओ किसान कह रहे पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान कह रहे भाई, लेकिन जो आलू मून है तो प्याज है, प्याज है जो आलू है हमारे खेत किसान लोग, वो तो आज 4-5 रुपया भाई मूल मिली कहाँ रहे किसी के लागत। यूरिया बोरी करते हैं, आलू खेती करत, प्याज करत खेती, और प्याज की खेती 500 रुपये कुंटल था 400 में, तो अब आदमी 1000 रुपये कुंटल तो तैयार कर पाता है खेती में से, तो क्या मिलेगा बताइए आप? कुछ नहीं। तो हम तो इसको वोट देंगे जिसको मैं फायदा देखेंगे। तो यहाँ पर जो है, बोलिए सर, क्या नाम, ये जो सरकार है बीजेपी की, ये तो मतलब जमीनी स्तर पे इंडिया की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसी भी मायनों पे इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि आप तो उनके कार्यकर्ता इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा मतलब नहीं, देखिए ये जो यूपी का है, यूपी का जो बंदा है, मतलब उस अपनी जो पार्टियां हैं सपा बसपा, लंबे समय से इसमें मतलब ये यूपी में ये दो ही सरकारें बनाती आई हैं, और ये इसके लिए इसका काम भी करती रही, और
जब 2014 में मोदी की सरकार आई तो उन्होंने काफ़ी सारे वायदे किए, यूपी में आए छिबरा में उन्होंने रैलियां भी की और बहुत सारे वादे किए, लेकिन उस पर खड़ा नहीं उतरे हैं। आज युवा वहीं पर खड़ा, इन्होंने क्या नाम, जब बहन जी ने 500 करोड़ रुपये खर्चा किए थे पार्क और हाथी बनवाए थे, तब ये लोग बोल रहे थे कि ये पत्थर वाली सरकार है और ये 3500 करोड़ का पटेल का पुतला बनवाते हैं और उसमें ये उसमें क्या नाम ये मेक इन इंडिया भी बताते हैं और चाइना से उसके बर्कर आते हैं उसको बना के चले जाते हैं, तो मेक इन इंडिया कहाँ से हुआ ये? और उसके बाद में इन्होंने मतलब बस यही किया है कि आने वाले समय में आज आप 5 साल बाद पूछें कि एनडीए सरकार ने क्या किया, तो आपको ये दिखाने के लिए कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति पटेल की बना दी, उसके अलावा कोई काम नहीं किया है। और जो मायावती वाला जो था आगे जो हाथी वगैरह बनवा दिए, उससे मतलब कोई ये नुकसान नहीं है कि मतलब लोगों का नुकसान, उसमें आम जनता अपना कोई भी मीटिंग या फिर वो भी कर सकती है, वो एक सार्वजनिक स्थल हो गया है। और दूसरी चीज़ ठीक है, लगातार जो है लोगों से बात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जो मन क्या है वो टटोलने की कोशिश है। इधर आइए, एक बुजुर्ग जो है ये हमारे साथ में है, क्या नाम बाबा आपका? हरदयाल। हरदयाल जी क्या करते हैं? किसानी। किसानी करते हैं, तो रैली में आए थे? आए थे रैली में थे। कौन कौन बोला रैली में? रैली में मायावती जी बोली है और डिम्पल यादव भी बोली है और अखिलेश भी बोले हैं। अच्छा, तो बताइए कि इस बार क्या लग रहा है गांव देहात में, लोगों का मन क्या कह रहा है? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ धर के बताइएगा, कार्यकर्ता होने के नाते नहीं। नहीं, कार्यकर्ता वाली बात नहीं, हमारी एरिया तो यही चाहती है, यही सरकार होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? ये साजे की सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं? हमें तो पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद आई? इसलिए कि हम लोग रात रात भर खेतों में पड़े रहते हैं, जानवर खुला घूम रहे हैं, सब फसल खा लेते हैं, हम कर्ज लेके उसमें लगाते हैं और वो कर्ज ज्यों का त्यों फसल खा गई, सब जानवर गाय बछड़े खा जाते हैं। ये ऐसी सरकार हमें चाहिए तो बताओ, इससे तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। हम फसल जो पैदा करते हैं वो तो सब जानवर खा लेंगे, हम क्या खाएंगे? हमें तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आप बताइए, एक नौजवान जो है किसान है, आप किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार के कामकाज को? हम इस तरह देखते हैं, मोदी सिर्फ जुमलेबाज हैं और झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलते हैं। देखो, ये तो हो गई नेता वाली बात, हम पूछ रहे हैं आपसे आप वाली बात, गांव देहात में सच्चाई में जो चर्चा है ना वो बताइए। सच्चाई का यहाँ का माहौल डिम्पल यादव की तरफ जा रहा है, यही सच्चाई है। मोदी की तरफ क्यों नहीं? मोदी बताए तो रहे जुमलेबाज है, बस 15 लाख के वादे किए वो भी कुछ नहीं दिया, और सर 2 करोड़ साल में मतलब 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया वो भी नहीं दिया। तो नेताओं की बातें आप लोगों को ये समझ में आ रही है या आपको जमीन पर स्थिति दिख रही है? जमीन पर ये धरातल पर स्थिति दिखा रही है। मोदी तो कुछ किया ही नहीं बात है। तो देखिए, यहाँ पर जो है तमाम लोगों से हमने, चलिए ठीक है बात करते हैं जरा। क्या नाम बाबा आपका? हम नाम बताएंगे जब आप क्या रहते हो, कौन हो सो बताओ। मीडिया हाँ तब इस बोलेंगे हैं, हम क्या बोले बोलो। अब आप कहाँ से आए बाबा? हम आए वहीं, तो आज आए वहीं, आपको मोदी के हुआ आदमी हम चलिए कोई बात नहीं। बाबा जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं हमसे बात करते हुए, और यहाँ पर जो है सुनिए भाई साहब, मैं रहता हूँ और 1.5 बीघा मक्का मेरी खा गए मोदी जी के जानवर, कायदा में उनको ये गलती की, अगर कोई कार्य किया था तो उनको पायलट को बड़ा बनवाना चाहिए। जब चुनाव आ गया तब वो बड़ा बनवाने चले, और आज भी 12 उनके जानवर नहीं है, सारे जानवर बाहर छुड़े हुए हैं, जनता इतनी परेशान है उसी माने कायदा में इनको इसी व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं करेगी तो जनता इस चुनाव में उनको जवाब देगी। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ प्राइवेट। तो आप भी इस रैली में आए हैं? मैं रैली हूँ, मैं रैली में आया हूँ, साइकिल से आए। साइकिल से आए तो रैली में तो बसें आती हैं आपके इधर? बस मैं तो पड़ोसी हूँ इसलिए तो साइकिल से आया करता हूँ। अच्छा, हाँ तो भाषण वगैरह सुना क्या? हाँ सर सुने। तो आप सबके कार्यकर्ता रहे हैं? मैं करता रहे हूँ। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और कायदा में सिर्फ परेशानी तो जीते हैं ये जिला में, ये सीट भाजपा नहीं जीते हैं। क्या वजह? क्या यहाँ सपा और बसपा एक हो गए इसलिए नहीं जीते? अरे सबसे बड़ी वजह ये सिर्फ उनके जानवर, मैं बता रहा हूँ, हर आदमी हर वर्ग परेशान है, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसे परेशानी नहीं।
चार बार फसल खा जा रहे और बच्चे क्या खाएंगे। यहाँ पर जो है रैली में आए हुए तमाम लोगों से हमने बात की और एक चीज को जो है कुरेद करके मैंने बाहर निकालने की कोशिश में लगातार कर रहा था और क्रॉस क्वेश्चन लगातार मैंने जो है वो किए और वो इसीलिए मैं लगातार कर रहा था कि जमीन पर जो है दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कितने एकजुट है, क्योंकि नेता लगातार जो है वो बातें करते हैं, जमीन पर स्थितियाँ कुछ और होती है। इसीलिए जो है मैं इन कार्यकर्ताओं से, इन लोगों से जो है बार बार जो है वो कुरेद करके सवाल पूछ रहा था कि मायावती और अखिलेश यादव अब जो है वो कितने एक हैं, जमीन पर कार्यकर्ताओं का जो है जमावड़ा है या नहीं है, क्योंकि अगर जमीन पर कार्यकर्ता एक नहीं होगा तो वोट जो है वो फिर पार्टियों को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सब। इस बार जो है ये कार्यकर्ता जो है वो अपनी तरफ से जो है दावे कर रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं और इनके दावों में और इनके वादों में कितनी सच्चाई है ये आने वाली 23 मई की तारीख बताएगी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरें लगातार देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।